तकरीबन 1/4 टाइम बातचीत करता हूँ एंड रिमेनिंग 3/4 टाइम आई टेक योर क्वेश्चंस. पॉसिबली टुडे आई माइट टेक लिटिल मोर टाइम एंड देन टेक योर क्वेश्चंस. आज की प्रेस ब्रीफिंग के लिए काफ़ी मौजूदात थे जिन पे बातचीत मैं कुछ अर्से से करना चाह रहा था, लेकिन पुलवामा के वाकया के बाद जो हालात पैदा हो रहे थे उसकी वजह से मेरी ज़्यादातर बातचीत इसी मौजू पे होगी. कुछ एकाद मौजूदात जो हैं उस पर मैं आखिर पे बातचीत करूँगा और देन आई टेक योर क्वेश्चंस. 14 फरवरी को पुलवामा में जो काबिज भारतीय फ़ौज है उसने एक कश्मीरी नौजवान ने वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाया, और जैसा कि होता है कि वाकये के फौरन बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की तरफ से इल्ज़ामात की बारिश हो गई, बगैर सोचे बगैर समझे बगैर किसी सबूत के. पाकिस्तान ने इस दफ़ा जवाब देने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया. वक्त इसलिए लिया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसकी अपने तई थोड़ी तहकीक की. उसके बाद जब आप शोर फुटेड हुए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया. इस वाक़े पे मज़ीद बातचीत से पहले मैं चंद बातें करना चाहता हूँ. चंद बातें इसलिए कि वी आर इनटू 5th जनरेशन वारफेयर और इसका जो हदफ है वो हमारी नौजवान नस्ल है. पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो इस 5th जनरेशन वारफेयर के ज़रिए इस पुलवामा के जो हमला है उसको लेके भी बहुत सारी बातचीत हुई. तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इस कॉन्टेक्स्ट को समझ सके कि कैसे बातचीत जो है वो चल रही है, उनका ये जानना ज़रूरी है. हमारी 72 साल की तारीख है. 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पाकिस्तान आज़ाद हुआ. इस हकीकत को इंडिया आज तक कबूल नहीं कर सका. 1947 अक्टूबर में इंडिया ने कश्मीर पे हमला भी किया और 72 साल से मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पे उनके जुल्म सितम जारी है. 1965 में लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी हुई, भारत उसको इंटरनेशनल बॉर्डर पे ले आया और वहाँ पे उसे शिकस्त हुई. लेकिन हम एक नौजायदा मुल्क थे, हमारे रिसोर्सेज और फौज भी वैसी थी, तो 65 में हमारा मुल्क जो तरक्की की राह पे गामजन था इस जंग के उस पर असरात हुए. 1971 में मशरिकी पाकिस्तान से जो हमारा एक ज़मीनी फासला था और फिर वहाँ के जो हालात थे उसको एक्सप्लॉइट किया. मुक्ति बाहिनी का किरदार आपका आपके सामने है और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के उनकी एक कन्फेशन स्टेटमेंट भी है कि उन्होंने वहाँ पर क्या बातचीत की और किस तरह साजिश समय दो लख्त किया. असल दहशतगर्दी तो इंडिया ने तब की कि जब मुक्ति बाहिनी के ज़रिए वहाँ पे हालात ख़राब कराए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक रेजिलिएंट कौम थी, इस आने से भी हम संभले. फिर 1971 से 1984 तक का एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हमारी मशरक़ी सरहद पे किसी किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ. रिलेटिवली काम सिचुएशन रही, क्रॉस एलओसी वायलेशंस वगैरह जो है नहीं हुई, और हमने एक तरीके से दोबारा इस्तेकाम और तरक्की की तरफ जाना शुरू किया. बट देन सियाचिन हैपन, और ऐसा इलाका जहाँ पे फौज पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं थी वहाँ पे आप आए, वहाँ पे आपने हमारे इलाके पे कब्ज़ा किया, और उस वक्त से लेके अभी तक दुनिया के बुलंद तरीन महाज पर फौज पाकिस्तान डटी हुई हैं और मुकाबला कर रही. इसी दौरान आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन ने भी हमला किया, उसके भी पाकिस्तान पे बहुत सारे असरात थे. 1998 में हमने जोहरी ताकत हासिल की, वो भी सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि इस डिटरेंस की मौजूदगी में इंडिया का हमारे ऊपर एक कन्वेंशनल वॉर इम्पोज करने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती, और जब ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हुई तो इंडिया ने गैर रवायती स्ट्रेटजी को
अपनाते हुए, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को फ़रोग देना शुरू कर दिया। 2001 में जब इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो आपको पता है कि मशरकी सरहद पर इंडिया ने एस्केलेशन कर दी और हमारी तवज्जो मशरकी सरहद पे हो गई। अगर उस वक्त भी ऐसा ना हुआ होता तो हम बेहतर पोजीशन में होते कि मगरबी सरहद से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी उसको दाखिल ना होने देते और बाद में इतनी ना पाकिस्तान में फैलती जितनी कि उसके नतीजे में फैल गई। 2008 में जब हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर जंग लड़ रहे थे, हमें कामयाबियाँ मिल रही थी, तो एक दफ़ा फिर इंडिया अपनी फौज को सरहद पे ले आया। मकसद ये था कि हमारी जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ हो रही हैं उनको किसी तरीके से स्लो कर सके, स्कटल कर सके, और इसका ज़िंदा सबूत कुलभूषण की सूरत में हमारे पास मौजूद भी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पाकिस्तान ने इस तमाम अरसा में क्या किया? 1988-89 में दो तरफा CBMs के ऊपर बातचीत का आगाज़ किया। पाकिस्तान ने हमेशा पीस ऑफर की। 2003 में DGMOs के दरमियान हॉटलाइन कायम की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर बंदी के लिए एक अंडरस्टैंडिंग की, जिसको लेटली पिछले दो साल में तारीख में सबसे ज़्यादा वायलेट इंडिया ने किया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स भी कायम किए। 2004 से 2008 तक 5 दफ़ा हमारा कॉम्पोजिट डायलाग की सिटिंग भी हुई, लेकिन इस प्रोसेस को भी मुंबई अटैक के तनाजर में उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बताना चाहता हूं कि जब भी पाकिस्तान में कोई बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होना हो या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बेहतर हो रही हो तो इंडिया में या मकबूजा कश्मीर में कोई ना कोई ऐसा स्टेज इंसिडेंट हो जाता है। अगर आप देखें तो जो दिसंबर 2001 का इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक था, उस वक़्त वहाँ 2002 में जनरल इलेक्शंस होने थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज इन सेशन, और यही वो वक्त था जब मैंने आपको बताया कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में मगरबी सरहद पे दहशतगर्दी का इन्फ्लक्स शुरू हुआ। बॉम्बे अटैक पे आए जो कि 26-29 नवंबर 2008 पे हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वार ऑन टेरर पे हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही थी और इस वक्त भी इंडिया में जनरल इलेक्शन होने थे फरवरी से दिसंबर तक। 2 जनवरी 2016 पठानकोट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है वो ड्यू था, इंडिया में स्टेट इलेक्शंस होने थे और पाक भारत की फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत शेड्यूल थी, वो स्कटल हुई। उड़ी का हुआ 18 सितंबर 2018 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तकरीर के लिए जाना था। तो ये पैटर्न आपको बताता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना हो तो इस किस्म का स्टेज एक्शन होता है। अब पुलवामा की तरफ आए, 14 फरवरी। अब फरवरी मार्च में पाकिस्तान में या पाकिस्तान से मतलब 8 बहुत ज़रूरी इवेंट्स जो है वो हो रहे थे। सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान का दौरा था और अच्छी इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेरर लिस्टिंग के ऊपर बातचीत होनी थी। अफगान पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन प्रोसेस चल रहा था, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही थी। यूरोपीय यूनियन में यूनाइटेड नेशन की मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उसके ऊपर सिटिंग होनी थी। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव के मुकदमे की बहुत डिसाइसिव हियरिंग होनी थी। FATF की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होनी थी और पाकिस्तान के लिए फैसला होना था। करतारपुर बॉर्डर की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक दोनों ममालिक के दरमियान मीटिंग थी और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो कि